हो जाए। माँ सब लोग तेरे लिए दुआ करेंगे, मेरा बच्चा अच्छा हो जाए ना। माँ मेरा बच्चा नहीं चाहती कि मेरा बेबी मेल चला जाए, बस ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसे हमेशा हमारे साथ रखे, उसकी बीमारियों को। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मुझे सही से ब्लॉग बनाने नहीं मिल रहा है, उसकी वजह ये है, आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक कमेंट ज़रूर करना कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मैं कोई भी ब्लॉग अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो प्लीज़ कंटिन्यू वीडियो देखते रहना। तो आप लोग तो सब जानते ही हो कि मुझे एनिमल्स पालने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मेरे घर में बहुत से कैट थे, अब है नहीं। जब से मेरी जेनी मिसिंग हो गई तब से मैं कैट नहीं ज़्यादा ये करती, लेकिन जब जेनी का फर्स्ट बच्चा जो हुआ था वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के घर में है। लेकिन काफ़ी दिनों से वो बहुत बहुत ज़्यादा बीमार है, जिसकी वजह क्या है कि उसकी यूरिन पास नहीं हो रही थी। तो उसकी यूरिन पास नहीं हो रही थी तो हम लोग ने यहाँ छोटे डॉक्टर के पास लेके चले गए। डॉक्टर ने कहा कि कब से हो रहा है, हम लोगों ने बोला मॉर्निंग में हो रहा, कुछ 12 तारीख के दिन ये ऐसा सब हो गया। फिर वो डॉक्टर बोला ठीक है तुम लेके जाओ परेल या फिर डॉक्टर बापट के पास जो है थाने में। तो डॉक्टर बापट के पास तो हम लोग थाने में वहाँ पे जानते थे, क्योंकि वो डॉक्टर से जेनी का ऑपरेशन भी वहाँ पे हो गया था, तो वहाँ का ही एड्रेस पता था। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। फिर वहाँ पहुँचने के बाद हमको पता चला कि जो मेरा कैप्टन है, जेनी का बेटा है, उसका यूरिन की जगह जो है ना वो ब्लॉक हो गई है, और जिसकी वजह से वो यूरिन नहीं कर रहा था। तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। मतलब ऐसा है ना कि एनिमल्स जब पालते हैं तो अगर हम हिम्मत है पालने की तो पालो, लेकिन ऐसा नहीं कि जब वो बीमार हुए तो उसको इस तरीके से छोड़ देना चाहिए, ये चीज़ बहुत गलत है। तो मैंने मम्मी ने हम लोग सब लोग ने लेके चला गया उसको हॉस्पिटल, एनिमल्स का हॉस्पिटल है डॉक्टर बापट के यहाँ पे। तो वहाँ पे उसका देखा गया तो यूरिन ब्लॉक हो गया था। फिर वो पाइप वाइप डाल दिए, मतलब आप लोग को मैं बता नहीं सकती मैं, इतना ज़्यादा खर्चा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन बस इतना मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हर जानवर की हिफाजत करने वाला हमको बनाए, और हमें इतनी हिम्मत दे कि हम उसकी परेशानियों को समझ सके, उसकी परेशानी दूर कर सके, बस मैं यही चाहती हूँ। तो जैसा अभी उसके साथ ऐसा हो गया, फिर हम लोगों ने उसका वो छोटा सा ऑपरेशन होता है वो चीज़ हो गया उसका। फिर हम लोग आ गए घर और 12, 13, 14, 15, 16 तारीख को उसका वो निकाले वापस से, मतलब कंटिन्यू हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे सलाइन लगाने के हिसाब से। फिर वो निकालने के बाद उसकी यूरिन थोड़ी थोड़ी होने लग गई, दवाई वाई मेडिसिन तो एनिमल्स की बहुत महंगी होती है आप लोगों को पता है। बस आप लोग दुआ करना अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत दे कि हम लोग उनकी बीमारियों से लड़ सकें, उन लोगों का इलाज कर सकें, बस मैं यही चाहती हूँ। क्योंकि हम लोगों ने बचपन से उन लोगों को पाला, जब वो छोटे छोटे थे तब से हम लोगों ने उन लोगों का ख्याल रखा, तो जब अगर ऐसे वो बीमार हो गए तो हम ऐसा छोड़ नहीं सकते उन लोगों को। तो मैं यही चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हमको हिम्मत दे, आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत करने वाला बनाए। तो आप लोगों को यही बात मैं बता रही हूँ कि जैसा मेरा कैप्टन बहुत बीमार है, तो आप लोग प्लीज़ सब दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उसकी हर परेशानी दूर हो जाए। मैं हो सके तो मैं स्क्रीन पे उसकी फाइल की फ़ोटो भी शेयर करूँगी। अभी मैं आप लोगों को बता दूँ उसको क्या हो गया, बहुत मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गया ना वो। और पता है वो डॉक्टर के पास जब जाते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते किसी को लेता नहीं बाजू में, बस मैं, क्योंकि मैं उससे बात करती रही तो उसको ऐसा अपनापन लगता है कि हाँ कोई है। सलाइन लाई देखिए, मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करती, आगे कंटिन्यू वीडियो में देखते रहना, आपको पता चल जाएगा। सब लोग तेरे लिए दुआ करेंगे, मेरा बच्चा अच्छा हो जाए ना। माँ मेरा बच्चा, लेकिन मेरे बच्चे वीडियो में देख लो शिशु हो जाए ना।
लोगों को, आप लोगों ने देखा कैप्टन की वीडियो किस तरीके से उसका ब्लड और यूरिन निकाल रहे हैं, मतलब पाइप डाल के उसको यूरिन निकाल रहे, क्योंकि वो ब्लॉक हो गया था। तो मैं वहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, और हम लोग डेली 12 13 14 15 16 पाँच 6 दिन हम लोग जा रहे हैं, मतलब हॉस्पिटल में भी बाइक से, मुमरा से थाने जाना मतलब बहुत बहुत हार्ड वर्क है, लेकिन हम लोगों ने वो भी किया। लेकिन अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द शिफा अता करे और उसकी सारी परेशानी को दूर करे। बस आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे कैट के लिए दुआ करना कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। देखिए कुछ भी घर में कोई परेशानी आने की होती है ना, तो एनिमल्स अपने पे लेते हैं, कोई भी बीमारी हमारी सब अपने पे ले लेते हैं ताकि हम पे कोई तकलीफ ना। लेकिन उन लोगों को देख के हमको बहुत बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि मैंने एक मेरी कैट को, मतलब मेरी एक जेनी है उसको मैंने खो दिया है। क्या करें, बस यही चाहती हूँ। और मैं आप लोगों से, आप लोगों को मैं फाइल बताती हूँ, आगे कंटिन्यू वीडियो देखते रहना, आप लोगों को पता चल जाएगा हम फाइल में डॉक्टर ने क्या लिखा है, कैसे किसी किसी दवाई। शायद आप लोगों को मेरी बातों पे भरोसा नहीं होगा, तो मैं वो भी बता दूँ कि मैं फाइल में, मेरी फाइल डॉक्टर बापट की क्या क्या है उसमें लिखा हुआ, क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, आप लोग देख लेना कंटिन्यू वीडियो में। देख सकते हो आप लोग, ये डॉक्टर बापट की फाइल है और ये कैप्टन का यहाँ पे ये सब लिखा हुआ जो उसको क्या क्या हो गया था, हम लोगों ने क्या बोला उन लोगों को। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो उसका सब ठीक हो गया है। यहाँ देखिए ये सब दवाई उसकी लिखी हुई है, ये सब हम लोगों ने दवाई भी ले लिया। बस आप लोग दुआ करना कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये देखिए ये सारी दवाई डॉक्टर ने लिख के दिया है, जैसे उसके सब ये फाइल है। ये देखिए मतलब हम लोग चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा फाइल में क्या क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर ने क्या क्या लिखा है, तो ये फाइल झूठ तो नहीं बोल रही है, ये फाइल में सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम हो गई है। मतलब इतना परेशान हम, इतना ज़्यादा परेशान हो गए घर वाले, मतलब एक घर का वो हम लोग के फैमिली मेम्बर जैसे, अगर वही बीमार है तो घर में थोड़ी खाना वाना कुछ नहीं हो, क्योंकि हम लोगों ने हर चीज़ से, हर मतलब तरीके से लोग की सेवा किया, हर तरीके से। बस मैं यही चाहती हूँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, नहीं चाहती कि मेरा बेबी मेल चला जाए। बस यही दुआ करती हूँ कि अलग अलग से हमेशा हमारे साथ रख, उसकी बीमारियों को दूर, आप लोग भी दुआ करना वो ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। और हाँ, और यही कैट के लिए नहीं, जितने भी स्ट्रिक्ट एनिमल्स हैं उन सबके लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर करे और ऐसे इंसान से मिला दे लोगों के, उन लोगों की हिफाजत कर सके अच्छे से। बस यही चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं पता है आप लोगों को मैं रास्ते में चलती हूँ कोई दिल ये सब भूखी होगी दिख गई ना, तो मैं उसको फूड लेती हूँ मेडिकल से और खिलाती हूँ। कि अब मैं समझती हूँ ना उन लोगों को, कोई पालने वाला नहीं है, लेकिन उन लोगों को भी ऐसा लगता होगा भूख, तो मैं दे देती हूँ। बस आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्या इलाज किया, अभी इतना इलाज करने के बाद बस ये अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उसे जल्दी ठीक करे। कैप्टन के लिए प्लीज़ आप लोग दुआ करना, प्लीज़ आप लोग दुआ करना और उसकी सारी परेशानियों दूर कर हो जाए, ये भी दुआ करना। तो थैंक यू सो मच हद तक के ब्लॉग देखने के लिए। अगर आप लोग ऐसे ब्लॉग चाहते हो तो प्लीज़ कॉमेंट करना, मैं कौन से ब्लॉग बनाऊँ ये कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ लास्ट में यही बोलना चाहती हूँ, आप लोग प्लीज़ दुआ करना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।